हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है ये डक्टेबल स्प्लिट एसी है। ये हमें कंप्लेंट मिला है कि रूम कूल नहीं हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये 19 डिग्री में सेट किया हुआ है। हनीवेल का थर्मोस्टेट हमारा लगाया हुआ है। तो रूम कूल नहीं होने का बहुत सारे रीज़न है, जैसा कि हम थ्योरी में आपको बताते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर रूम हमारा कूल नहीं हो रहा है तो कौन कौन से रीज़न है, थोड़ा सा यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे तो थ्योरी में हम बताते ही रहते हैं। जैसे अगर हमारा रेफ्रिजरेंट कम रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या सिस्टम में रेफ्रिजरेंट नहीं है, या फिर हमारा फ़ैन का रोटेशन रॉन्ग हो गया है इंडोर यूनिट का, ब्लोअर का, तो भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आउटडोर में अगर किसी तरह से कंप्रेसर नहीं चल रहा है या वायर जल गया है, इस तरह का प्रॉब्लम में हमें कूलिंग का ये इशू आता है। तो हम चलिए चलते हैं टेरिस पर और उसके बाद इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये लीजिए, फाइनली हमने टेरिस पर आ गया। आने के बाद यहाँ पर हम बहुत सारा एक ही जैसा यूनिट लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे, 7 लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पर थर्ड फ्लोर 7 नंबर हमारा एसी है। तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सब पर आप नंबरिंग कर दें, आप जहाँ पे भी रहें। ये ज़्यादा फ्लोर का बिल्डिंग है। अभी इसका हम कैटलॉग पूरा डिटेल्स देखते हैं आउटडोर यूनिट का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि SKM का है, इसका कंप्रेसर रनिंग लोड एम्स 10.7 एम्स है, ठीक है। तो अभी हम इसको फाइनली ओपन करके देखेंगे। फ़ैन को देखने के बाद लग रहा है कि फ़ैन एक ही जगह बंद है, लेकिन उसका आप साफ्ट वाला एरिया देखें, वो पूरा स्पीड में फ़ैन हमारा घूम रहा है। वो देखने से सिर्फ लग रहा है कि हमारा फ़ैन बंद है। तो ये हमारा फ़ैन का स्पीड बहुत अच्छा है, स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ़ैन का रोटेशन भी सही है, ओके। मैंने ओपन कर दिया इसको। ओपन करने पर देखिए ये कॉन्ट्रेक्टर भी पुश किया हुआ है, मतलब सप्लाई आउट हो रहा है, लेकिन अभी हमको देखना होगा फेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि ये कितना एम्स ले रहा है कंप्रेसर, एम्स ले रहा है कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एम्स में लगा करके इसका। तो ये हम एक फेज में लगा के देखते हैं, एम्पियर में सेट कर लेंगे किलोमीटर को, अभी उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए लगाने के बाद क्या, ये 0 एम्स ले रहा है, मतलब हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, ठीक है। ये 0 कॉन्ट्रेक्टर का सप्लाई मिल रहा है, इसलिए जैसे जो पावर कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल का CP, तो वो हमें मिल रहा है इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्ट्रेक्टर पुश किया हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन हमें ये कंप्रेसर रनिंग नहीं है। पहला बात कि आप देख सकते हैं कि इस पर शील्डनेस भी नहीं है सक्शन लाइन पर, समझ गए। और इसके बगल में एक हमारे पास दूसरा यूनिट है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जब आपका रनिंग रहेगा कंप्रेसर तो उसके ऊपर शील्ड आया रहता है उसका सक्शन लाइन पर, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक दूसरा यूनिट है, देखिए इस पर पूरा पानी का स्वेटिंग आया हुआ है ना, तो ये हमारा चिल्डनेस इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अभी हम उसको खोल करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अब टर्मिनल बॉक्स को हम ओपन करके देखेंगे क्या इसका रीज़न है। अगर आप चाहें तो वोल्ट वगैरह भी चेक कर लें, वोल्टेज चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो ऑलरेडी हमने वोल्टेज आउट इसका चेक कर लिया है, इन आउट, समझ गए। लेकिन हम अभी एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं कि वोल्टेज इसमें आ रहा है, जितना आना चाहिए वोल्टेज उतना आ रहा है और आउट भी कर रहा है। ये वोल्टेज में हम सेट किए और इस तरह से आप जिस तरह से अपना कॉन्ट्रेक्टर का जो इन कर रहा है फेज, ऐसे चेक कर रहे हैं जितना वोल्ट आएगा, देखिए जैसे 4056 आ रहा है। इसी तरह से हम जो है इसका आउट भी हम चेक करेंगे कॉन्ट्रेक्टर का कि उसमें कितना मिल रहा है, आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी कॉन्ट्रेक्टर पकड़ रहा था लेकिन आउट नहीं करता है, तो हम आउट भी देख लेते हैं। तो आउट भी देखिए हमको लगभग 406 मिल रहा है, ओके है बराबर। लेकिन अभी ये इसका लोड में नहीं है, मतलब कंप्रेसर जैसे अगर चलेगा तो हमको एम्स दिखाएगा, तो लोड में नहीं है इसका। हम देखते हैं कोई भी काम करना है तो सबसे पहले इसका हम पावर डिसकनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइसोलेटर है हमारा, इसको ऑफ कर दिए, फिर उसके बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं अंदर, इलेक्ट्रिकल जो भी चेक करना है, नहीं तो करंट मारने का चांस है। इसका जो ये कवर है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन करने के बाद जो है इसके अंदर देखेंगे हम क्या कंडीशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है एक वायर जो है जल गया है, ठीक है ना। ये जो हमारा एक पॉइंट है, मान लीजिए L1 L2 L3 जो भी रहेगा, एक वायर जल गया है। तो हम इसको कैसे फ्रेश करके, अच्छा से कैसे इसको इमेरी पेपर से साफ़ करके, और उसके बाद हम आपको कनेक्ट करके विद एम्पियर कितना एम्स ले रहा है रनिंग करके हम आपको
दिखाएंगे इसको, एक एक हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आप देखेंगे। तो इस तरह का देखिए, प्रॉब्लम आने के बाद भी हमारा जो है कूलिंग नहीं आएगा, रूम कंप्रेसर नहीं चलेगा, तो आप अक्सर इस तरह का हो जाता है, गर्मी के दिनों में लूज कनेक्शन रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, समझ गए। लूज कनेक्शन में ऐसा हो जाता है कभी कभी, पीपीएम अगर आप बराबर से अच्छा से नहीं हुआ है, इसलिए पीपीएम में हम लोग को चेक करना पड़ता है उसका टर्नल बॉक्स कैसा है, कनेक्शन अच्छा से किया हुआ कि नहीं, उसका वायर का लूज कनेक्शन तो नहीं है, तो हम इसको अभी इसको सही करते हैं, वन बाई वन इसको क्लियर स्टेप बाई स्टेप करते हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये मैंने वायर को बाहर कर लिया, अब वायर को हमने दरी पेपर से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें कार्बन आ गया था, और जहाँ टर्मिनल बॉक्स के पास जो आपका जो पॉइंट है ना, वहाँ पे भी आपको अच्छा से आपको क्लीन कर लेना होगा, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो वापस से आपको सेम आपको स्पार्क कर करके वो जलेगा। देखिए ये पॉइंट को भी आपको साफ़ कर लेना होगा, उसके बाद ही आप कनेक्ट करेंगे, समझ गए। तो अभी हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं, साफ़ कर लेते हैं। करने के बाद देखिए इसको मैंने पिन लगाया टर्मिनल कनेक्शन करने के लिए, क्लिप लगा दिया है, अब इससे जरिए हम कनेक्ट करेंगे इसको। पहले वायर से पूरा फुल टेप कर देते हैं, समझ गया कि वो खुला नहीं होना चाहिए, फुल अच्छा से उसको टेपिंग कर देते हैं, क्लिप को जो है ना बहुत अच्छा से टाइट करें, समझ गए ना, क्योंकि उसमें भी लूज नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हल्का ये निकला हुआ है अपना वायर, उसको आप आगे से कटिंग कर दें तो आपको फिनिशिंग आ जाएगा, वरना आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बराबर अच्छा से क्लिप टाइट किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम फिटिंग करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसका हम टर्मिनल के जगह पे पूरा अच्छे से इसको हम पिन को लगा दिए हैं, पूरा अच्छे से आप टाइटनेस देख लें, सबका टाइटनेस चेक कर लें, लूज कनेक्शन तो नहीं है ना, तो आप देख सकते हैं हमने इसको पूरा फुल टाइट कर दिया है। ये आउटडोर को हम स्टार्ट कर दिए हैं आइसोलेटर से, हम क्लैंप मीटर को क्या कहते हैं, अभी हम एम्पियर मीटर में सेट कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कितना एम्स ले रहा है। अभी हमारा स्टार्ट हो गया है, ये देखिए अभी हम लगाएंगे एक किसी भी एक वायर में लगाएंगे हम, तो आपको ये बताएगा, देख सकते हैं 10 पॉइंट। तो इस तरह से आपको पॉइंट ट्रेडिंग मिलेगा, तीनों फेज में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस मिल सकता है वैल्यू। तो हमारा जैसा कि आपने कैटलॉग में देखा ही था कि 10.7 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वही आपको रेशियो मिलेगा 10.5, फिर 10.1, इस तरह से तीनों फेज में आपको थोड़ा 1 पॉइंट इधर उधर, 0.1, 0.34 ऐसे कुछ आपको डिफरेंस वैल्यू मिलेगा। देखिए इसमें 10.21 ले रहा है, तो देखिए अभी यहाँ पर अपना कूलिंग को जो इसका ये है सक्शन लाइन है, इस पर स्वेटिंग भी अच्छा खासा आ गया है, ये मतलब कूलिंग हमारा अब जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, अंदर में कूलिंग मिलेगा, पहले ये कूल नहीं था। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, अपना आप ख्याल रखें।